अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ में अधिवक्ताओं द्वारा कामकाज ठप किए हुए करीब 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन ओंकार तोमर खुदकशी प्रकरण में नामजद अभियुक्त पुलिस पकड़ से बाहर है। आंदोलन का सारा दारोमदार सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक दिनेश खटीक पर टिका हुआ है। आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी होने के कारण चर्चित विधायक पर हाथ डालने से पुलिस कतरा रही है। आत्महत्या प्रकरण में भाजपा विधायक दिनेश खटीक समेत 14 लोगों को नामजद किया गया है। यह नामजदगी आत्महत्या से पूर्व अधिवक्ता ओंकार तोमर द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट के आधार पर की गई है। ओंकार तोमर ने नोट में आत्महत्या के लिए विधायक दिनेश खटीक व अन्य को जिम्मेदार बताया था। अमूमन सुसाइड नोट को पुलिस बेहद संजीदगी से लेकर धरपकड़ करती है, लेकिन यह मामला सत्ताधारी पार्टी भाजपा से जुड़ा हुआ है। इस कड़ी में अधिवक्ताओं ने अपनी पूर्व घोषणा के मुताबिक आज कचहरी के मुख्य गेटों पर कब्जा कर लिया। अधिवक्ताओं ने तालाबंदी की घोषणा की हुई है। आज अधिवक्ताओं के आने से पूर्व ही तालाबंदी की उनकी घोषणा को देखते हुए कचहरी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। अधिवक्ता जो ताला डालना चाहते थे वह पुलिस ने डाल दिया। कुल मिलाकर आज भी वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरठ बार एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर त्यागी ने दावा किया है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में तालाबंदी है। इस बीच इतना जरूर हुआ है कि नामजद में से एक राजकुमार को पुलिस ने बीते दिन गिरफ्तार कर लिया है। राजकुमार ओंकार तोमर के पुत्र लव कुमार के ससुर हैं। अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि नामजदगी 14 लोगों की है। आइए चलते हैं मेरठ जिला मुख्यालय पर, जहां हमारी सहयोगी शिवानी मौजूद है। मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ओंकार तोमर की जो आत्महत्या का जो मामला है, लगातार उसको 20 दिन हो गए हैं और उनके जो अधिवक्ता साथी हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। उन्होंने पिछले ही हफ्ते उन्होंने आबुलेन से लेकर मतलब मेरठ शहर के हर रोड पर उन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया है। लगातार वो कचहरी में भी एक धरना स्थल बना के बैठे हुए हैं, जहाँ पर वो लगातार 20 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते आज उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें उन्होंने तालाबंदी है। जी हाँ, आप देख सकते हैं हम कचहरी के मेन गेट पर हैं, जहां पर उन्होंने तालाबंदी की हुई है और पूरा जो है पूरी कचहरी में उन्होंने बंद कर दिया है। आज कोई भी काम नहीं होगा और इसी के चलते उन्होंने उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में ये तालाबंदी की है और हर जगह उन्होंने ये बंदी लगा दी है। जब तक प्रशासन उनकी नहीं सुनेगा वो लगातार ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, तालाबंदी करते रहेंगे। किस तरीके से काफ़ी भीड़ यहाँ पर है और इस बीच कोई अनहोनी ना हो, दुर्घटना ना घटे, इसी के लिए प्रशासन भी जो है पूरा मुस्तैद है। मैं महावीर सिंह त्यागी, अध्यक्ष मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ, इस मुद्दे के बारे में बताना यह है, ये हमारा जो मुद्दा है, हमारे एक भाई ओमकार सिंह तोमर आत्महत्या केस से संबंधित है। उनके सुसाइड नोट में 14 आदमी नामजद थे और FIR भी 14 ही लोगों के विरुद्ध हुई थी, जिनमें सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक दिनेश खटीक, निडावली के मुनिंदर प्रधान और 5 लोग खतौली के, 5 प्रधान और हैं। कुल 14 आदमियों को नामजद किया गया था केस में और सुसाइड नोट में भी 14 ही आदमियों के नाम थे, परंतु अभी तक उन 14 में से केवल 3 गिरफ्तारियां हो पाई हैं, वो भी कल दबाव बनने के बाद। मुख्य रूप से नामजद जितने अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर हमने ये आज का संपूर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में आज इसी तरह से तालाबंदी है और हम पिछले 15 दिन से क्रमिक अनशन DM साहब के सामने कर रहे हैं, जो सामने है इसके पीछे, और करीब करीब 20 दिन से हम हड़ताल में हैं जब से ये केस हुआ। मेरा नाम उर्वशी सिंह चौधरी है, मैं एडवोकेट हूँ, मेरठ बार एसोसिएशन की सदस्य हूँ। मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि सब जानते हैं, रोज़ मीडिया में आ रहा है, रोज़ न्यूज़पेपर में आ रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं इस बात को। हम एडवोकेट जो हैं, सारे अधिवक्ता
बल्कि 24 जिलों के अधिवक्ता आज तालाबंदी करके जो है सारी कचहरियों को बंद करे बैठे हैं, इस मांग को लेते हुए कि हमारे भाई ओमकार सिंह तोमर जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, उन पर प्रेशर बनाया गया था, आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। यहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं दिनेश कटीक और उनके साथ में एक मुनिंदर प्रधान और भी अन्य लोग हैं, कम से कम 14-15 लोग हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर हम लोग जो है यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं तालाबंदी करे हुए। लेकिन क्योंकि प्रशासन सत्ता के दबाव में है, प्रशासन सत्ता के दबाव में इतना है कि उनमें से उनके गिरफ्तारी करना इनके बस का नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर इनके बस का नहीं है तो SSP साहब जो है इस्तीफा दे दें, चूड़ियाँ पहन लें, इनको तो चूड़ियाँ गिफ्ट कर देनी चाहिए। ये कुछ काम नहीं कर रहे, केवल सत्ता के दबाव में है। सुनील चिंदौड़ी एडवोकेट, सत्ता का विधायक है, विधायक नहीं है, ये अपराधी है, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री लंबी चौड़ी है और प्रशासन उसकी मुट्ठी में है। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि प्रदेश में गुंडाराज नहीं होगा। हम कहना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री को कि ये विधायक आपकी बगल में बैठा है, इसको आप पेश करिए, ये कोर्ट में जाए, कोर्ट अपना काम करे। और मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ, जो IPS हैं वो बोलते हैं जब शपथ होती है कि हम निष्ठा कर्म और सही कार्य करेंगे, आज कहाँ है वो? उस वर्दी को उन्होंने बेच दिया है। इस खबर में आज फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।